हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। फिर से आपके चैनल पे आपको स्वागत है, बहुत सारे स्वागत है। चलिए आज हमारे पास आप आ चुके हैं इस वाला टेटस वीडियो। आपको चाहिए तो कैसे एडिटिंग करना हमको कमेंट कर सकती हो, हम बना के आपको दे सकती हो। किस सॉफ्टवेयर से ऐसा बनता है आपको बता सकते हो। चलिए हमारे फोटो एडिटिंग पे चल जाती हूँ और हम पिक्चर हमेशा की तरह ओपन कर लेता हूँ और एक ज़बरदस्त फोटो एडिटिंग। अगर आज की वीडियो आपने मिस कर दिया, बहुत ऐसा फोटो एडिटिंग मिस कर दोगे, आज ज़बरदस्त फोटो एडिटिंग होने जा रहा है भाई। आज की फोटो अगर आप देख के जाइए, जरूर देख के जाइए, एक जबरदस्त फोटो एडिटिंग होगा, ठीक है ना। हमेशा की तरह आपको बैकग्राउंड ले लेना है और बैकग्राउंड लेने के बाद आपकी मॉडल को चूज कर लेना है, ठीक है। मैं जल्दी जाके अपनी मॉडल को चूज कर लेता हूँ। कहाँ ढूंढू मॉडल, कौन सा। बहुत सारे फोटो मैंने आज क्लिक किया है, उन्हीं में से एक फोटो में चूज करूँगा, कौन सा फ़ोटो देखता हूँ। या ये वाला फ़ोटो मुझे बहुत अच्छा लगता है आज के लिए, ठीक है ना। इसको ज़रा सा मैं ठीक कर लेता हूँ और ठीक करने के बाद इस फोटो को मैं एडिटिंग के लिए ले चलती हूँ। आप पहले से हमारे साथ है, कैसे बैकग्राउंड इरेज करना आपको पता है और आप ऐसे वीडियो में देख रही हो कैसे बैकग्राउंड इरेज की जाती है, ठीक है ना। आप ज़रा सा टाइम लगा के धीरे धीरे उस फोटो को बैकग्राउंड इरेज करना है, ठीक है मेरे भाई। और बैकग्राउंड ज़रा सा मैं फटाफट कर लेता हूँ और एक बात आगे बढ़ने से पहले कह देता हूँ, हमारी वीडियो आप फेसबुक में देख रही हो तो ज़रूर जाके उसको फॉलो कर देना और लाइक करके आगे बढ़ा देना, ठीक है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है भाई, आप नहीं सपोर्ट करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा भाई। ज़रूर लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। और यूट्यूब में देख रही हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। ज़रा फटाफट से भाई हाथ चला लो, ज़्यादा जल्दी फटाफट कर लेना, ठीक है। बैकग्राउंड इरेज कर लेता हूँ ज़रा सा जल्दी, ठीक है। हम फटाफट बैकग्राउंड इरेज कर लिया और इरेज करने के बाद हमारी फ़ोटो कुछ इस टाइप का देखने लगा दे, ठीक है ना। उसके बाद एक धुआँ की इफ़ेक्ट ले लूँगा धूमपान का और इस इफ़ेक्ट को मैं सेट कर लूँगा और सेट करने के बाद ये इफ़ेक्ट ज़बरदस्त दिखाई देगा, ठीक है ना। इस इफ़ेक्ट को मैं इस तरह से रख लेता हूँ और उसकी बैकग्राउंड को मैं यहाँ पे आके सिंपल सा इसकी कर दूँगा, ठीक है। और ये बैकग्राउंड को ज़्यादा अच्छा लगेगा, कोई पीछे भी धुआँ है और सामने भी धुआँ है, इसलिए फ़ोटो कुछ अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और इसको सेट करने के बाद मैं ये वाला पहले वाला बैकग्राउंड को मैं ऐसे ले आता हूँ और इसको ले आने के बाद इसको मैं देखिए इस वाला पे क्लिक करके मैं उसको ऐसे अच्छा से सेट कर लूँगा, ठीक है। आपके हिसाब से आपको ये रख लेना है। रखने के बाद ये जो आपका शरीर है उसकी छाइट में आपको दे देना है, ठीक है। देखिए इस तरह ज़्यादा हो गया ना क्या, और रुकिए उसको थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे दे देता हूँ। देखिए ये ज़्यादा दिखाई दे रही है, मैं उसकी थोड़ा कंटेक्स्ट को थोड़ा और ज़्यादा कर लेता हूँ, ठीक है ना। 44:67 और 39 रख लेता हूँ, ठीक है। और अभी सही रख रहा है, आपकी ब्रश सही हो गया है, देखिए ब्रश ज़बरदस्त हो रही है, ठीक है ना। और इसकी मैं पूरी फुल कर देता हूँ। मेरा कोई दोस्त सोचेगा ये क्यों ऐसा इफेक्ट डाल रहा है भाई, ये इफेक्ट से फ़ोटो को ओरिजिनल दिखाई देगा। कोई सोचेगा तो ऐसे जो चार्ट से लाइटिंग की वजह से ऐसा इफेक्ट दौड़ी है, फ़ोटो को ओरिजिनल लगेगा। और मैं इफेक्ट डाल देता हूँ और आपके जाते जाते मैं बता देता हूँ, हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइए और फेसबुक में देख रही हो तो आपको फॉलो करके जाइए। ऐसे इंटरेस्टिंग फ़ोटो एडिटिंग के लिए आपके सामने अक्सर मैं आते रहता और आप मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आगे बढ़ूँगा मैं आपकी सपोर्ट के वजह से। और
मैं उसको भी मैनेज कर लेता हूँ। और अच्छा अच्छा फ़ोटो एडिटिंग के बारे में आपको ले आऊँगा। आजकल हर कोई मॉडल हो गया, हर किसी से खूबसूरत चाहता है, हर कोई फ़ोटो एडिटिंग चाहता है, हर किसी के पास फ़ोटो एडिटिंग की सॉफ्टवेयर है। मैंने इसलिए सोचा है कोई ऐसा सॉफ्टवेयर ये पिक्चर से कैसे अच्छा से फ़ोटो एडिटिंग करती। आज के लिए इतना ही कॉपी, चलिए हम चलते हैं।